हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -4.7 एंड 2.-5 आर, यानी कि एक पॉइंट यहां पर पी गिवन है, पी की जो कोऑर्डिनेट है -4.7 है और नेक्स्ट पॉइंट क्यू है, इसका जो कोऑर्डिनेट है -5 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। देखिए, अगर यहाँ पर इस तरीके से होता है x, y, x1, y1 और q पॉइंट जब होता है x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस PQ होता है ये रूट में x2 - x1 स्क्वायर होता है और प्लस में y2 - y1 स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये वैल्यू गिवन है x1 की वैल्यू, ये y1 और ये x2 और ये y2, इसको यहाँ पुटअप करके सॉल्व करेंगे। पी क्यू इक्वल में रूट में x2 - x1, x2 यहाँ पर 2 है, 2 - x1 की वैल्यू -4 यानी कि +4 हो जाएगा और स्क्वायर, प्लस में y2 यहाँ पर -5 और माइनस में y1 है यहाँ पर 7, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद पी क्यू इज इक्वल टू रूट में ये आ जाएगा 2 + 4 स्क्वायर यानी कि 6 और प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे और प्लस करने पर ये आ जाएगा 12, यहाँ पर ये स्क्वायर होगा प्लस में ये -12 स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 6 स्क्वायर यानी कि 36 और प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा। यहाँ पर पी क्यू इक्वल में इसको ऐड कर लेंगे, 4 and 6 10 हो जाएगा और 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर 108 इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ से इस कुछ नंबर्स जो होंगे वो इससे बाहर होंगे, तो इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर 180, 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा, 2 से 45 और 3 से 15 यहाँ पर और 3 से 5 आ जाएगा 5। देखिए, यहाँ पर ये जो इसका फैक्टराइजेशन हुआ रूट में आ जाएगा 2 × 2 × 3 और × 5। ठीक है, देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू 2 × 3 और रूट में 5, पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 6√5 आ जाएगा, यानी कि इतना डिस्टेंस जो होगा 6√5 जो डिस्टेंस होगा वो पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर में ये दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर ये है ये 6√5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, यानी किसी सर्कल पर क्या है कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ से इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो एक टेंजेंट यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, यानी कि टोटल जो टेंजेंट्स होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जा सकते हैं वो 2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल, इनमें से कौन सा पैरेलल नहीं है ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, 2 कार्ड्स है, एक सर्कल ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल, कौन सा इसमें से पैरेलल नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं तो 2 कार्ड पैरेलल हो सकते हैं, एक मैं इस साइड से बना दे रहा हूँ और एक इस साइड से, तो ये दोनों कार्ड आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट क्या है, ये कार्ड एंड ये टेंजेंट, अगर एक कार्ड और एक टेंजेंट की बात करें, यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया और एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया और एक कार्ड कर दिया, तो टेंजेंट और कार्ड आपस में ये पैरेलल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2 टेंजेंट्स, तो 2 टेंजेंट्स अगर मुझे ड्रॉ करनी है, ये सर्कल हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो एक टेंजेंट, 2 टेंजेंट जो यहाँ पर हैं ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, 2 डायमीटर्स, अब 2 डायमीटर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक डायमीटर्स मैंने ये ड्रॉ कर दिया, अब नेक्स्ट कोई दूसरा जो डायमीटर होगा उसको ड्रॉ करेंगे, अगर मैं इस तरीके से भी ड्रॉ करूँगा तो ये जो दोनों डायमीटर्स होंगे ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई भी 2 डायमीटर्स किसी सर्कल के पैरेलल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, इफ़ √3 tan 2θ - 3 इक्वल में 0 देन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या गिवन है कि √3 tan में 2θ और इक्वल -3 है, यहाँ पर -3 इक्वल में 0, अब ये गिवन है और हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से मालूम करनी है कि थीटा कितना होगा। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, √3 tan 2θ
इक्वल में इस माइनस थ्री को उस साइड में भेजेंगे, यहाँ पर प्लस थ्री हो जाएगा और टेन टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर थ्री अपॉन रूट थ्री आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट थ्री से ये दोनों रूट थ्री यहाँ से ये थ्री कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टेन टू थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर रूट थ्री हो जाएगा। टेन टू थीटा इज इक्वल टू ये रूट थ्री है और रूट थ्री टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है, यहाँ पर टेन सिक्सटी हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी टू थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर थर्टी डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर थर्टी डिग्री है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या है, इफ टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। टू साइन टू थीटा, यहाँ पर टू साइन टू थीटा और इक्वल में रूट थ्री है और हमें थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री और थीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है, यहाँ पर इसको उस साइड में भेजेंगे तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू में रूट थ्री और अपान में टू हो जाएगा। साइन टू थीटा, ये रूट थ्री अपान टू जो होगा वो साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है, यानी कि साइन सिक्सटी, यहाँ से साइन कैंसिल, यानी कि टू थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री आ जाएगा और थीटा इज इक्वल टू टू से डिवाइड कर देंगे थर्टी डिग्री हो जाएगा, यानी इसमें भी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो थर्टी डिग्री आ गई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सिक्स है, ये मैन गोज 24 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो एक व्यक्ति है वो 24 मीटर वेस्ट में गया, फिर वहाँ से क्या किया कि 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर है ये पूछ रहा है। देखिए अगर यहाँ से मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये बेस्ट, इसको अगर हम बेस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ये बेस्ट की तरफ गया 24 मीटर और जस्ट ये इस साइड में गया, इसको हम नॉर्थ एज्यूम करते हैं कि ये नॉर्थ है, तो इस साइड में ये कितना 10 मीटर्स गया। अब ये पूछा जा रहा है कि ये और ये दोनों पॉइंट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पॉइंट से यानी कि वो कितने डिस्टेंस पर है, तो इस डिस्टेंस को मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा और इस ट्रायंगल में हम राइट क्या यूज कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, इस पॉइंट नेम ये, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ए सी स्क्वायर जो होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 24 का, जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और 9 आ जाएगा, या 8 टू टू या 4, ये आ जाएगा यहाँ पर 6 और ये 7 और 4 एंड ये 5, 576 हो जाएगा, 576 प्लस में 100 ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू में इतना और ए सी इज इक्वल टू रूट में, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे और स्क्वायर उस साइड में दे देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 676 और ये 676 किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 26 का आया कि नहीं, तो 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से, 36 आ जाएगा और ये 12 यानी 13, ये 15 हो जाएगा, 26 या 12, 22 या 4 और ये 5, यहाँ पर 6, हाँ यानी कि यहाँ पर 26 आ जाएगा, स्क्वायर रूट जो आएगा वो 26 आएगा। ये डिस्टेंस जो हमें प्राप्त हुआ 26 मीटर, जो मैन है वो मैन स्टार्टिंग और स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पर है इस समय, तो 26 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन कोई है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्या है, कि इफ ये -6, 7 एंड बी -1, -5 आर टू गिवेन पॉइंट्स देन द डिस्टेंस टू ए बी इज, यानी कि ये और भी दो पॉइंट गिवन है, तो फिर डिस्टेंस पूछ रहा है कि टू ए बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं ए बी निकालूंगा उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर ये पॉइंट जो गिवन है ये है -6, 7 और जो बी पॉइंट है वो -1, -5 गिवन है यहाँ पर। यहाँ से ए बी मालूम करने के लिए ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है रूट में x2 - x1 स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में x2 कितना है -1 और -x1 की वैल्यू -6 यानी कि +6 स्क्वायर प्लस में y2 यहाँ पर -5 और -y1 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, ये हो जाएगा स्क्वायर।
ये 6 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी 5 स्क्वायर, और प्लस में 7 और 5 दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि माइनस 12 स्क्वायर। ये यहाँ पर आ जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में 144, और इन दोनों का सम कर लेंगे यहाँ पर तो 169 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 169 जो होता है इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हमें जो मालूम करना है यहाँ पर वो क्या मालूम करना है, 2AB मालूम करना है। यहाँ पर ये मैंने जो वैल्यू मालूम किया है ये ए बी मालूम किया है, तो 2AB जो होगा वो 2 × 13 यानी कि 26 होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो बी ऑप्शन यहाँ पर 26 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पी 3,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर पी गिवन है 3,4 और पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को ड्रा करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर प्लस प्लस है यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा, 3,4 कहीं होगा इसमें। अगर यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रा करते हैं तो ये 3 है यानी ये 3 हो जाएगा और ये 4 है 4 हो जाएगा। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, और ये कितने यूनिट है तो 4 यूनिट यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से वो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और अगर वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 4 है, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर बी है जो 4 यूनिट्स है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टर्म्स ऑफ द एपी 72, 63, 54 इज जीरो। इस एपी का कौन सा टर्म्स यहाँ पर जीरो है ये हमें बताना है। ये 72, 63, 54 और डॉट डॉट, इसमें से कौन सा टर्म्स जीरो है ये हमें मालूम करना है। हम यहाँ पर n इज इक्वल टू मानेंगे कि जो ns टर्म्स है वही क्या है, जीरो है, ठीक है। जो ns टर्म्स है वो क्या है, जीरो है, और हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ से ये की वैल्यू मालूम करें तो 72 हो जाएगा, और d मालूम करने का प्रयास करेंगे तो d इज इक्वल टू 63 माइनस में 72, इसमें से नहीं यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 और 6 माइनस 6 जीरो यानी कि माइनस 9 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर है और यहाँ पर माइनस है इसलिए ये माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि ए एन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, ये की वैल्यू 72 हो जाएगा, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 9, 72 को इस साइड में ले आएंगे, 72 इक्वल में एन माइनस 1 और माइनस में 9, माइनस 9 को इस साइड में लाएंगे तो 72 अपान में माइनस 9 और यहाँ पर एन माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि माइनस 8 इज इक्वल टू में एन माइनस 1, ठीक है। तो एन माइनस 1 आ जाएगा, इसको इस साइड में कर देंगे तो माइनस 8 और ये प्लस 1 इज इक्वल टू में एन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब हम 72 को इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस रहेगा और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आएगा तो 8 प्लस 1 यानी कि 9, एन की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो 9 प्राप्त होती है, इसलिए ये जो एपी है इस एपी का 9th टर्म्स जो है वो क्या है, जीरो है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलीनोमियल है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है पॉलीनोमियल, अगर किसी वेरिएबल्स पे यहाँ पर जैसे वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल्स का अगर एक्सपोनेंट्स जो हो 1/2 यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो वो पॉलीनोमियल नहीं होता है, या फिर इस वेरिएबल्स का जो पावर हो एक्सपोनेंट्स वो निगेटिव हो, तब भी क्या होता है कि ये पॉलीनोमियल नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पर हम चेक करते हैं तो देखिए ये रूट लगा हुआ है, एक्स पर रूट लगा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं x^(1/2), इसलिए ये जो हमारा होगा ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर x^(1/2) ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, यहाँ पर अपान में x लिखा हुआ है यानी कि 2/x अगर कहीं लिखा हो तो इसको ऊपर साइड में ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा, ये जो एक्सपोनेंट्स है यहाँ पर ये नेगेटिव हो जा रहा है इसलिए ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर
ये इसका एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव भी है और फ्रैक्शनल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी वन है और ये क्या है, पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शनल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट होगा। थैंक यू।